बाजियां निकालने को लेकर यूपी डीजीपी ने जारी किया ये सर्कुलर, तो भड़क उठे मुस्लिम धर्म गुरु। कही ये बड़ी बात, डीजीपी सर्कुलर फॉर मुहर्रम ताजिया जुलूस कोरोना संक्रमण कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इस साल भी 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और ताजिया निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लखनऊ डीजीपी सर्कुलर फॉर मुहर्रम ताजिया जुलूस। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इस साल भी 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और ताजिया निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी। वहीं इससे जुड़े यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल द्वारा जारी सर्कुलर के एक हिस्से की भाषा को लेकर शिया समुदाय में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम की रूह को समझे बगैर डीजीपी ने बयान जारी किया है। वहीं डीजीपी मुकुल गोयल का कहना है कि मुहर्रम को लेकर सर्कुलर पिछली बार की तरह इस बार भी जारी किया गया है। जो पत्र वायरल हो रहा है उसके बारे में एडीजी कानून व्यवस्था से पता करने के लिए कहा गया है उसकी क्या सच्चाई है। अब मुहर्रम गाइडलाइन। मुहर्रम पर ना ताजिया ना जुलूस, योगी सरकार की गाइडलाइन। अस्सलामु अलैकुम भाइयों दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मुहर्रम और ताजिया 2021 के बारे में। इसको लेकर आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुहर्रम ताजिया को लेकर योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें कि क्या क्या करना होगा मुहर्रम और ताजिया के बारे में और कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, जुलूस में कितने लोग शामिल हो सकते हैं और मुहर्रम और ताजिया दफन करने के लिए कितने लोग शामिल, क्या इस बार जुलूस गांव में निकलेगा या नहीं, तो वीडियो को बगैर एस्केप करे पूरे देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारा मेहनत का फल होता है। डीजीपी से बयान वापस लेने की मांग, पुलिस प्रशासन की अभद्र भाषा वाले मुहर्रम सर्कुलर के विरोध में वरिष्ठ शिया धर्म गुरु मौलाना कलबे जवाद ने पूरे प्रदेश की मुहर्रम कमेटियों को पुलिस की किसी भी मीटिंग में शामिल न होने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले डीजीपी अपना बयान वापस लें, तभी कोई बात संभव है। मौलाना कलबे जवाद ने कहा कि ये बयान डीजीपी का नहीं बल्कि अबू बकर बगदादी का लग रहा है। शिया उलेमाओं ने डीजीपी उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी इस पत्र को वापस लेकर इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीजीपी ने दिए ये निर्देश। आपको बता दें कि मुहर्रम को लेकर डीजीपी की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों पुलिस कमिश्नरों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुहर्रम के दौरान छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एक्शन लिया जाए। उन्होंने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किए जाने, किसी भी हाल में यातायात न प्रभावित होने देने, बैरियर और चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग कराने, मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सख्ती से कराने, जन सुविधाएं जैसे बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।